رب العالمين ولا للمتقين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۖ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ चौथे पारे की इब्तदाई आयत आपके सामने तिलावत की गई हैं और आज आपके सामने चौथे पारे के मजामीन का खुलासा और उनका लुब्बे लबा पेश किया जाएगा सूर आल इमरान की आयत मुबारक नंबर बानवे से चौथे पारे का आगाज़ हो रहा है इससे पहले तीसरे पारे के आख़िर में हक्त आला जल्शानों ने जो बात अरशाद फरमाई थी वो ये बात अरसाद फरमाई थी आखिरी आयत मुबारक में तीसरे पारे की कि इन लजीना कफ़रुम वह को

फरमाते हुए चौथे पारे का आगाज इस बात से कर रहे हैं कि अगर तुम कुछ खर्च करना ही चाहते हो तो उस खर्च करने का मैार क्या है वो खर्च करना यहाँ दुनिया के अंदर होना चाहिए कयामत के दिन अगर तुम कुछ भी पेश करोगे तो कयामत के दिन कुछ भी पेश किया जाना वो अल्लाह की तरफ से हरगज़ काबिल कबूल नहीं होगा लेकिन दुनिया के अंदर तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से हिदायत हैं अल्लाह की तरफ से तालीमान हैं कि तुम खर्च करो वो खर्च का मैार क्या होना चाहिए उस ज़मीन में जो सबसे पहला उसूल और सबसे पहली बात जो इर्शाद फरमाई गई वो फरमाई गई कि लन तनाब तुनफिको तो तुम उस वक्त तक नेकी के मैार को नहीं पा सकते जब तक तुम अल्लाह की राह में वो खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है जो तुम्हारे काम की चीज है यानी किसी गरीब आदमी को अगर तुम कोई चीज़ दे रहे हो तो वो वो चीज़ ना हो कि जो तुम्हारे लिए बिल्कुल रद्दी और बेकार हो चुकी है तुम्हें अब उससे कोई ताल्लुक़ और कोई उसका इस्तेमाल नहीं है बल्कि वो चीज़ देना कि जिसकी तुम्हें ज़रूरत भी है जिससे तुम्हें ताल्लुक़ भी है जिससे तुम्हें मोहब्बत भी है वो चीज़ अपने ऊपर क़ुरबानी देकर अपना अपनी जान का और अपनी ज़रूरत का असार करके दूसरे को देना यह है असल नेकी और नेकी का असल मैार ये है कि अपनी महबूब चीज़ को कुर्बान करो अब जाहिर है कि महबूब चीज जो होती है वो सबसे ज्यादा इंसान की अपनी जान और अपनी जिंदगी होती है कि इंसान अपनी जान और अपनी जिंदगी जो है वो अल्लाह की बारगाह में लुटा दे और अल्लाह की बारगाह में जो है वो खत्म कर दे ये असल जिंदगी है और ये जिंदगी असल जिंदगी की कामयाबी है چنانچہ قریش مکہ اسی بات پر حیران ہوتے تھے कि जब वो किसी का काफिर का किसी मुसलमान से मुकाबला होता था काफ़िर मुसलमान पर गालिब आया और मुसलमान के ऊपर जब बिल्कुल हमला आवर होने लगा वो मुसलमान अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में जब होता था तो वो एक नारा लगाता था और वो नारा क्या लगाता था फज्ज व रबा काबा की कसम में कामयाब हो गया कुार मक्स बात पर हैरान होते थे कि ये कामयाबी का कौन सा मै यार है कि जान से हाथ धो बैठ रहा है और कह ये रहा है कि मैं कामयाब हो गया तो इसी कामयाबी को यहाँ बयान किया जा रहा है कि असल कामयाबी तो यह है कि तुम अपनी महबूब चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो और अपनी महबूब चीज़ अपनी जान और अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा और महबूब की चीज़ क्या हो सकती है चुनाचे इस ज़मीन में हकता शाह नूँ मिलत इब्राहिमी को पेश कर रहे हैं कि इस ज़मीन में तुम्हारे लिए जो नमूना अमल है वो मिलत इब्राहिमी है उल कुलसद अल्लाह फतब्लत इब्राहिम हनीफ़ा वमा व मकान जरत इब्राहिमीन में से नहीं थे हजरत इब्राहिम की मिलत में से होना शिर के साथ साथ यह हरगज काबिल कबूल नहीं है एक तरफ तुम्हारा दावा यह हो कि हम मिल्ल इब्राहिमी पर हैं और दूसरी तरफ तुम्हारा ये दावा हो कि हम तुम अमल तुम शिरक भी कर रहे हो तो जाहिर है कि ये दोनों बातें एक दूसरे से मुनासिबत नहीं रखती हैं इन दोनों बातों के दरमियान तजाद है या तो तुम शिरक छोड़ दो या ये दावा छोड़ दो कि हम मिल्ल इब्राहिमी पर हैं मिलत इब्राहिमी पर तो वह होता है जो अल्लाह की तात में किसी को शर्क नहीं ठहराता और सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के इस मरक़ की हिफाज़त करता है और वो मरकज़ सा है इै तुम वज़ अल्लासी ललि बिबक्त मुबारकम वालमीन फी ही आयातुमबैनातुम मकामब्राहीम के ये अल्लाह का घर है जो सबसे पहला घर है जो मक् के अंदर मक्का मक् मुकरमा का पुराना नाम था इस कदीम नाम के साथ इस बैतुल्ला के बनने का और इस बैतल्ला की तमीर और इस बात का कि बैतुल्ला का मकसद क्या था मुबारकिन के लोगों के लिए मुबारक था बरकत था ख़ैर बरकत का एक बहुत बड़ा सरचश्मा है जो अल्लाह ताला ने इस खान काबा की सूरत में इंसानियत को अता फरमाया है हद्दिननास लोगों के लिए हिदायत का सामान है और फ़ी ही आया तुम बाईनात बड़ी बड़ी वाज निशानियाँ इस बैतुल्ल के अंदर अल्लाह की तरफ से रखी हुई हैं मकाम इब्राहिम है वो मक़ाम इब्राहिम जो हम देखते हैं एक पत्थर है जिस पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माईल आल सलाम ने ख़ान कबा तमीर किया था आज वो हमें नज़र आता है शीशे के एक बड़े ख़ूबसूरत केस के अंदर रखा हुआ अल्लाह ताली हमें बार बार हर की हाज़री नसीब फरमाए तो वो मकाम इब्राहिम है उस मक़ाम इब्राहिम पर नमाज़ पढ़ना उस मक़ाम इब्राहिम पर हाज़री देना ये बड़े शरफ़ और बड़े एजाज़ की और शदत की बात है चुनाचे इस बात को ज़िक्र करते हुए हक्ता लशान जलाशान रूए सुखन मोड़ते हैं अहले किताब की जानब और अहले किताब की जानब मोड़ते हुए उनकी उनके कुछ जराइम का उनकी कुछ खराबियों का ज़िक्र करते हैं उनमें से पहली खराबी तो ये पूछते हैं कि यह अहल किताबिल तकफ़रू नब आयातल एहल किताब तुम अल्लाह की आयात का इनकार क्यों करते हो तुम तो अहले किताब हो तुम्हारे नबी पर अल्लाह की किताब नाजिल हुई है तुम अल्लाह के नबी पर ईमान रखते हो अल्लाह की किताब पर ईमान रखते हो तो अब जो अल्लाह की किताब और अल्लाह की आयात नाजिल हो रही हैं इन आयात का इनकार क्यों करते हो और इनका कुफ्र क्यों करते हो और दूसरा सवाल यह किया गया कि क्लिया अहल किताब तबगूनहा सबीम व अंतुम शुहदा ए अहल किताब तुम लोगों को अल्लाह की राह से रोकते क्यों हो तुम लोगों को अल्लाह की राह से दीन इस्लाम कबूल करने से रुकावट क्यों बनते हो तुम्हारा काम तो ये होना चाहिए था कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके साहबा और साथियों के मददगार होते उनके दीन को और आगे बढ़ाते हालांकि तुमने ये रविश और तरीक़ा इख्तियार करने के बजाय तुमने लोगों को इस दीन इस्लाम में आने से रोकने की रविश को इख्तियार किया अहले किताब से इन सवालात के बाद हफ्त आला जल्शान अहल ईमान की हिदायत और रहनुमाई फरमा रहे हैं कि अहले ईमान के लिए क्या तरीकेकार है वो फ़रमाया कि या यूह लजीना आ मन तक तुकात ही वला तम तुन्ना व अन तुम कि देखो पहली हिदायत तो ये है अहले ईमान कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करना हक का तुकात ही ऐसे डरना ऐसा खौफ अल्लाह का ऐसा एहसास अल्लाह का रखना जैसा कि उसका खौफ और उसका डर रखने का हक़ है हक़ है क्या मतलब मतलब ये कि अल्लाह के, अल्ला के इनाम को देखना अल्लाह की ताकत और कुदरत को देखना इस बात को महसूस करना कि तुम्हें एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना ही होना है इससे राह फरार कोई नहीं है इसके लिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हो जाना चाहो तो हो जाओ नहीं हो ये एक लाजमी चीज़ है दुन्... तुम दुनिया के किसी कोने में हो दुनिया के किसी ख़त्ते में हो किसी इलाके में हो किसी वक्त में हो किसी ज़माने में हो अल्लाह के सामने तुम्हें एक दिन पेश होना है ये एहसास तुम्हारे दिल में होना चाहिए अल्लाह की ताकत का उसकी कुदरत का उसकी खालिकियत का उसके इनामात का उसके करम का उसके फ़जल का उसके रहमान रहीम होने का इसलिए इन तमाम एहसास के साथ अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे तो वह हक़त ही है और उसका मतलब क्या है उसका अमली मुजाहरा कैसे होगा कि वला तम तुन्ना वन तुम मुसलिम के इंसान पूरी ज़िंदगी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अल्लाह का मुती और फर्माबरदार रहे मुसलिम कहते हैं फर्माबरदारी करने वाले को जिसने सरे तस्लिम ख़म कर दिया हो जो अल्लाह का मुती और अल्लाह का फर्माबरदार बन गया हो हर मामले में वो अल्लाह के अहकाम का इंतज़ार करता हो और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अमल करता हो और दूसरी हिदायत ये इर्शाद फरमाई कि वाँ तस्म बेहबिल्ल जमियाऊँ वाला तफर देखो अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो अल्लाह की रस्सी क्या है अल्लाह की रस्सी ये अल्लाह की किताब है अल्लाह की रस्सी अल्लाह के अहकाम हैं अल्लाह की रस्सी अल्लाह के रसूल के अहकाम और अल्लाह के रसूल की तालीमत हैं ये सब मिलकर अल्लाह की रस्सी इसलिए कि देखिए ये बात हमें अच्छी तरह मालूम है कि रस्सी एक धागे का नाम नहीं होता बल्कि रस्सी कई धागों को बटकर और एक दूसरे के साथ जोड़कर कर मनाई जाती है और वो रस्सी के एक एक धागा ऐसा होता है कि हर धागा दूसरे धागे को तकवीत पहुंचा रहा होता है इसी तरह अल्लाह की तालीमान अल्लाह के अहकाम अल्लाह की किताब अल्लाह के रसूल की तालीमान अल्लाह के रसूल के अहकाम अल्लाह के रसूल के सहाबा के अहकाम उनकी तालीमां और फुकाहा की तालीम महदस ये सारी मिलकर अल्लाह की रस्सी बनती हैं इस रस्सी को अल्लाह की मजबूती से थामना है वला तफर रकू और इस रस्सी से अपने आप को अलग बद करना अपने आप को ज़िंदगी भर अल्लाह के अहकाम से जोड़े रखना ज़िंदगी में किसी भी मरहले और किसी भी मौके पर अपने आप को अल्लाह के अहकाम से अलग ना करना और एक दूसरी बात यह है कि देखो एक बात याद रखना कि वकुन तुम अला शफा हफरतमिनार कि तुम आग के एक बड़े गहरे गड़े के किनारे पर पहुँच चुके थे बिल्कुल आग के किनारे पर परीब तुम उसमें गिरने वाले थे फ़ान कज़ाकुमहा और तुम्हें हमने उस आग के गढ़े से बचाया निजात दी कज़ालबैन आयात ही लालकुम तहतदून अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयात को बयान करता है ताकि तुम्हें हिदायत हासिल हो वल तकमतर वया मरून बिलमूफ़ व होना अनिल मुनकर और एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो माशरे के अंदर नेकी का पैगाम आम करे लोगों को नेकी की तरफ बुलाए वयन हवना अनिल मुनकर और लोगों को बुराई से रोकने वाली और बुराई से मना करने वाली हो इस तरह की एक जमत बहरहाल उनके अंदर होनी चाहिए चुनाचे इस बात को बयान करते हुए हक्त आलाजिलाहू ने उम्मत मुसलिम की जिम्मेदारी को बताया कि बहसीियत उम्मत मुसलम की का मकाम क्या है और उसकी जिम्मेदारी क्या है यहाँ ये यह बात जहन में रखिएगा कि एक फितरी उसूल है इंसानी फितरत का एक उसूल है और अल्लाह ताला का भी यही उसूल है और ख़ास तौर पर दीन इस्लाम का यही उसूल है इसलिए कि दीन इस्लाम दीन फ़ितरत है और वो फितरी उसूल क्या है कि जिसका जितना रुतबा और मकाम बढ़ता है ऊंचा होता है उतनी ही उसकी ज़िम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं और हसास होती जाती हैं एक दफ्तर है एक इदारा है उस इदारे का जो भी सबसे बड़ा चाहे वो डायरेक्टर जनरल आप उसे कहें चाहे उसे आप सीईओ चीफ़ एग्जिव ऑफिसर कहें या जो भी आप उसका नाम रखें चेयरमैन कहें डायरेक्टर कहें वो इदारे का सबसे बड़ा और सबसे ज़िम्मेदार आदमी होगा इसके बिलमक़ाबिल जो नीचे के मुलाजमिन होंगे दर्जा चारुम के दर्जा सोम के मुलाजमिन होंगे उनका मरतबा भी कम होगा और उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी कम होंगी जब मर्तबा बढ़ता है तो जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं हक्त जल्लाशानहु ने नबी करीम अलैहि वसल्लम को अली मकामायाम्बिया आलम का उन्हें इमाम बनाया अम्बिया रसूल का उन्हें ख़ातम बनाया और उनको ख़त्म करने वाला उनको मुकम्मल करने वाला बनाया अल्लाह तबी करीमल वसलम की उम्म को भी बहुत अली मक़ामया और जब अली म़ाम अतः फ़रमाया तो उसकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई वो जिम्मेदारी आम उम्मतों की या साबिक उम्मतों की नहीं थी जो इस उम्मत की है और वो क्या है कि देखो तुम तुम खैर उखरिजत उखरजतिननास देखो तुम्हें जो निकाला गया है तुम्हारी जो तुम्हारा जो मनसब है तुम्हारा जो मकाम है वो मकाम ये है कि तुम लोगों के हादी और रहनुमा बनो तुम लोगों के कायद बनो तुम्हारी जिंदगी को देख कर लोग अपनी जिंदगी के मराहल और अपनी जिंदगी के तरीके और तौर तय करें यह ना हो कि तुम दूसरों के पीछे भाग रहे हो बल्कि होना यह चाहिए कि तुम्हारा किरदार तुम्हारी सीरत तुम्हारा मकाम तुम्हारा मनसब तुम्हारी सोच और फिक्र इतनी मजबूत होनी चाहिए तुम्हारा किरदार इतना मजबूत होना चाहिए कि तुम दूसरों के लिए अमल हो दूसरों के लिए हिदायत का पैकर और सामान हो दूसरे तुम्हारी पैरवी करें दूसरे तुम्हें फॉलो करें न ये कि तुम दूसरों के पीछे चलना शुरू हो जाओ इसलिए फरमाए कुम तुम खैर उम्मन उखरजत लन्नास तुम्हें लोगों की क़्यादत और रहनुमाई के लिए बनाया गया है और निकाला गया है लोगों को तुम्हारी क़़्यादत और रहनुमाई के लिए नहीं है और वो क़्यादत और रहनुमाई कैसे होगी नंबर एक तमनु नबिलूफ लोगों को नेकी का हुक्म देना वतन हवना अनिल मुनकर और लोगों को बुराई से रोकना वत अमिन और अल्लाह पर ईमान रखना तुम भी अल्लाह पर ईमान रखना दूसरों को भी अल्लाह पर ईमान की दावत देना अल्लाह के पर अल्लाह पर ईमान की दावत देना अल्लाह के ईमान की तरफ बुलाना अल्लाह की इतात और फर्मबरदारी की तरफ बुलाना अल्लाह के नबी की इतात और फर्मबरदारी की तरफ बुलाना चुनाच इन मजामीन को आगे बढ़ाते हुए हक तदसाहनु फरमाते कि अहले किताब को भी असल में तो हमने ये म्मेदारी सौंपी थी कि वो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाएँ अल्लाह के नबी के जो है फर्मा बरदार और मुती बन जाएँ लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी की इताद के बजाय अल्लाह के नबी की नाफरमानी का तरीक़ा इख्तियार किया इस ज़मीन में हज़रत मूसा सलाम का एक वाकया नक़ल किया जा रहा है और वह वाकया कुछ इस तरह से है कि हज़रत मूसीम ने अपने कौम से कहा कि एक इलाका है हमें उस इलाक़े में लड़ाई के लिए दाखिल होना है तो उनके कौम ने यह कहा कि नहीं भाई बात यह है कि वो तो बड़े सख्त लोग हैं इन नफीहा क़ोन बड़े सख्त दिल लोग हैं हम उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं इज हबंता रब का फकातिला तिला इा हूना का आप जाएँ आपका रब लड़े जाकर हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं जब आपको अल्लाह ताला फतः याब कर दे हमें बता दीजिएगा फिर हम आपके साथ चलेंगे ये तरीक़कार इन्होंने इख्तियार किया लेकिन इसके बिलमक़ाबिल नबी करीम अलैहि वसल्लम के साथ ही और आपके सहाबा का क्या तरीक़ा था उन्होंने क्या उसवा इंसानियत के लिए छोड़ा उन्होंने वो उसवा छोड़ा कि इंसानियत उस पर हैरान व परेशान चुनाते इस ज़मीन में गजवा अहद का भी जिक्र आया और गज़वा बद्र का ज़्यादा तफ़ील से जिक्र आया और वह तफसल से जिक्र इस इस मुनासिबत से आया कि नबी करीम सल्ला वन दो हिजरी में ग़वा बद्र का ये वाक़ा पेश आया कि वो निकले तो इस इरादे से थे मदीना मुनवर से कि अबू सुफियान का एक छोटा सा तजारतीफ़िला है वो जा रहा है उस उससे मुकाबला करना है लेकिन निकलने के बाद मालूम हुआ कि अबू सुफियान का वो काफ़िला तो रास्ता बदल के निकल गया है अलबत् तो मक्का मुकर्रमा से एक और लश्कर जो है एक हज़ार लोगों को पर मुशतमिल वो रवाना हो चुका है चुनाच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि बताओ अब क्या करें आया उनके मुकाबले के लिए चलें आगे या ये कि हम मदीने वापस चले जाएं इसलिए कि हम तो इस तैयारी से नहीं निकले थे कि एक बड़े लश्कर से हमें मुकाबला करना है उस मौके पर सहाबा रिज़वानुल्लाह रजवानल मजमाइन ने कहा कि नहीं हम मूसा की कौम नहीं हैं जिन्होंने मूसा आसलाम से ये कहा था कि इज हबंता फ़क़ातिला का फ़क़ा क़ाइदून कि हम तो आपके साथ चलेंगे आपके दाएं भी लड़ेंगे आपके बाएं भी लड़ेंगे आपके आगे भी लड़ेंगे आपके पीछे भी लड़ेंगे इसलिए इस ज़मीन में हक्त आला जानाह अहले बद्र की इस अज़म को ज़ाहिर बतलाया और ये बतलाया कि वल नकम्ल बदरुंतम अजिल्ल फ़तख़लकुम तश्कर ने अहल बद्र के इस जज्बे की कदर की और इस जज्बे की कदर किस तरह से की इस तरह से कि अल्लाह की, की तरफ़ से फ़रिश्तों की जमतेंकफ़ी अन्युमदकम अबूकम्बिस आलाफ़ फ़िमल मनजलिन तीन हज़ार फ़रिश्तों की एक जमात जो थी वह अहले बद्र की मदद के लिए ज़मीन पर उतर आई और वह मुसलमान तीन सौ तेरह हैं और उनकी मदद के लिए अल्लाह की तरफ से तीन हज़ार फरिश्तों की एक जमात जो थी वह बदर के मैदान के अंदर आ गई और उसका नतीजा ये हुआ कि कुफ़ार मक्का जो थे वो यूँ समझने लगे कि जैसे ये बहुत बड़ा लश्कर है कुफ़ार मक्का पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा से मरूब थे और वो ईमानी ताकत वो ईमानी हमीयत और ग़ैरत और उस ईमानी जुरत और बहादुरी और शजात के वो वाक़ात सुनते रहते थे लिहाजा एक रोब दबदबा तो उनके ज़हन में और दिल में पहले ही था लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि एक तो बहुत बड़ा लश्कर है ऐसा लग रहा है कि जैसे हज़ारों का लश्कर है जो हमारे सामने खड़ा है मुसलमानों का और हमारे मुकाबले के लिए तैयार है चुनाच इस रोब दबदबे की वजह से पहले ही हमले के अंदर वो गजवा बद्र के अंदर कुफार जो थे वो भाग उठे सत्तर कुफार उनके मारे गए और सत्तर कुफार जो थे वो मुसलमानों के कैद में आ गए और बड़े बड़े सरदार मारे गए और ये बात भी सामने आई और इस बात का भी मुशाहिदा हुआ कि अहले मक्का जो शुजात व बहादुरी बड़े जुड़तमंद और बड़े बहादुर लोग थे जंग लड़ना जंग करना ये तो उनकी तहजीब और कल्चर थी और शबली नौमानी रहमतुल्लाह ला लिखते हैं कि वो ये उनका माश भी था अगर दो दो चार महीने जंग ना हो तो उनको माशी बहरान हो जाता था उनके लिए तो इस एतबार से उनके लिए ये बात बड़ी सुहान रूह थी कि सत्तर बंदे उनके मुसलमानों के कैद में आ गए और उनके मुतालिक मशवरा शुरू हो गया इसकी तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं उनके मुतालिक मशोर शुरू हो गया कि इन सत्तर कैदियों को क्या किया जाए मार दिया जाए छोड़ दिया जाए या इनसे फिदिया लिया जाए ये मुशावरत हो रही है अहल मक् के लिए ये मुशावरत और ये मंज़र जो था ये मर जाने से ज़्यादा शदीद था यह ज़्यादा सख्त था उनके लिए बनस्बत मर जाने के चुनाच हकता आला दिलाशाहू ने यह बात इरशाद फरमा कर आगे के लिए एक सबक दिया कि देखो अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ इसी तरह शामिल हाल रहे तुम्हारी मदद के लिए फ़रिश्ते इसी तरह नाजिल होते रहें तो वो फ़ज़ाए बद्र पैदा करनी हैं जो मरहूम ने कहा कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर वो फ़िज़ाए बद्र कैसे पैदा होगी उस फ़ाए बद्र को पैदा करने के लिए यहाँ एक हिदायत दी जा रही है और वो हिदायत ये दी जा रही है कि या युह लजीना मनता कुलरबा अजाफ़ मफ़ा ए ईमान वालो देखो एक बात याद रखना दुगना तिगना करके सूद ना खाना सूद दर सूद मत खाना सूद से परहेज़ करना सूद क्या होता है रिबा क्या होता है इसकी भी तफसलत आपके सामने आ चुकी हैं वती वर रसूल तोमुन अल्लाह का तकवा इख्तियार करना व तकन्ना औरकाफ़्रीन उस आग से डरते रहना कि जो अल्लाह काफिरों के लिए तैयार की है कहीं उस आग का शिकार ना हो जाना अपनी बदामालियों की वजह से अपने कुफ्र की वजह से व आतील्ला रसूल तोमून और देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताद करते रहना अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करते रहोगे तो फिर तो तुम्हारे ऊपर रहम किया जाएगा अगर तुमने अल्लाह का इंकार अल्लाह की बगावत और सरकशी का अरतक किया अल्लाह के रसूल की बगावत और सरकशी का अरतक किया तो फिर कोई रहम का वादा नहीं है तुम्हारे से लिहाजा इस बात को बयान करते हुए हक्त आला जल्लाशानून ने ईमान की जो एक इस्तेकामत और मजबूती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वम की तरबियत का जो नतीजा और समरा होना चाहिए था उसको एक बड़े खूबसूरत ख़ूबसूरतान के साथ बयान किया और वह अनवान क्या है कि वमा इल्ला रसूल क़द खलतिन कबिल महमदल ररसूल्ला के रसूल हैं अल्लाह के नबी हैं अल्लाह के पैगम्बर हैं और इससे पहले भी अल्लाह के बहुत से पैग़म्बर आए हैं कद ख़लत बिन कबल रसूल इससे पहले भी अल्लाह के बहुत से रसूल आए हैं लेकिन देखो एक बात याद रखना अफ इम माता काबिकुम कि ज़रा सोचो कि अगर दबी करीम अलैहि वम इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं उस पर्दा फरमा जाने की वजह आपकी तबी वफात भी हो सकती है और उस पर्दा फरमा जाने की वजह यह भी हो सकती है कि आपको शहीद कर दिया जाए दोनों तरह से आप इस दुनिया से पर्दा फरमा सकते हैं जाहिर है इंसान हैं बशर हैं एक ना एक दिन इन्हें अल्लाह के हाथ जाना है इन इस दुनिया से रुख़त होना है ये तो एक तयशुदा बात है तो क्या अगर, अगर अल्लाह का नबी अल्लाह का ये रसूल जो अल्लाह का आखिरी रसूल है अगर अल्लाह के यहाँ चला गया इस दुनिया से रुख़त हो गया तो वामब अलाबई तो इनकलब तुम अला अकाबिकों तो क्या तुम अपने अपनी एड़ियों के बल वापस हो जाओगे यानी जिस कुफ़ुर शिर की ज़िंदगी पर तुम पहले थे इस नबी की आमद से और बेसत से पहले वापस उसी ज़िंदगी की तरफ चले जाओगे ये बात याद रखना कि अगर वमा कलिखबी फ़ल यज़ुर शै जो इस तरह से एड़ियों के बल कमर के बल वापस चला जाएगा अपनी सबक़ ज़िंदगी और सबक शर की तरफ़ चला जाएगा अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है इसमें ना अल्लाह के रसूल का कोई नुकसान है अल्लाह का एक मक़ाम है अल्लाह का एक जलाल है अल्लाह के रसूल का एक मकाम है तुम्हारा कुफ्र और शिरक और तुम्हारे कुफ्र और शिरक में वापस चले जाना ना अल्लाह के मकाम में कोई कमी पैदा करेगा ना अल्लाह के रसूल के मक़ाम में कोई कमी पैदा करेगा इसलिए यह बात याद रखना कि अगर इस तरह की तुमने हरकत की तो इसमें तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा या युहदीन आमन तुतीना कफ़रु युम अलाबलेन के अगर तुमने कुफ़ार की पैरवी करते हुए दोबारा शिर्क की ज़िंदगी इख्तियार कर ली दोबारा उनके पीछे चल पड़े तो फिर तुम ही घाटा उठाने वालों में से होंगे तुम्हारा ही खसारा है तुम्हारा ही नुकसान है ये बात याद रखना कि तुम काफ़िरों के मुक़ाबले में नबी करीम अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक और अपना रिश्ता मजबूत रखो क्यों इसलिए कि जितना तुम्हारा ताल्लुक मजबूत होगा सनकीकीफी कफ़रु कफ़र रोबिमा अशरकू तुम्हारा रोब दबदबा काफिर के दिल में पैदा होता रहेगा जितना ईमान तुम्हारा मज़बूत होगा जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और उनसे मोहब्बत तुम्हारी मजबूत होगी जितनी इतबा और पैरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत होगी तुम्हारा उतना ही रोग काफिरों के दिल के अंदर पैदा होता रहेगा उतना ही बढ़ता रहेगा जितना तुम्हारा ईमान कमज़ोर होगा जितना तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक और अल्लाह से मोहब्बत कमज़ोर होगी जितना तुम्हारा रसूल वसल्लम से मोहब्बत और उनसे ताल्लुक और उनकी इत्तिबा और पैरवी कमज़ोर होगी उतना ही तुम्हारा रोब दबदबा काफिरों से कम होता चला जाएगा ये एक बुनियादी उसूल है और आज भी हम इस बुनियादी असूल का मुशाह करते हैं आज भी काफिर अपने दिल में अगर किसी कौम का रोब महसूस करता है तो वह सिर्फ़ मुसलमान कौम है हालाँकि आज हमारा जितना बड़ा ईमान है जितना मजबूत ईमान है वो हमें मालूम है आज हमारी हमें जितनी इतबा और पैरवी की तौफीक होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या जितनी इतबा और पैरवी हम करते हैं वो भी हमें अच्छी तरह मालूम है सोचिए अगर हम अपने ईमान को और मजबूत कर लें हम अपनी इतबा इतबा रसूल को और मजबूत कर लें तो फिर कितना रोब दबदबा काफिर के दिल में हमारा होगा इसलिए इन्हीं हिदायत की तरफ मुतवज़ करते हुए हक्त आलाशान नबी करीमल की रहमत को बयान फ़रमा रहे कि देखो ये ना समझना कि नबी करीमल वम से तुम्हारा ताल्लुक होगा तो नबी करीमल वसम को बहुत सख्त गिर कस्म के आदमी हैं बहुत इतकाम लेने वाले मुंतकम मिजाज आदमी हैं ऐसा ऐसा नहीं है फ़बा रतमिनकफ़ुलकलबी फ़जलो मिनहलिक आप तो बहुत ही नरम दिल रहमतुल्ल आलमीन है आपके दिल में सख्ती का तो कोई तस्वूर ही नहीं है आप तो बहुत नरम दिल और बहुत रहम दिल इंसान हैं इसलिए बात यह है कि आपके साथ वा हो जाओ आज जैसे आप मोहब्बत का सर चश्मा हैं जैसे आप रहमत का सर चश्मा है तुम भी मोहब्बत और रहमत का सर चश्मा बन जाओ जैसे आप पूरी इंसानियत के लिए बेचैन हैं जैसे आप पूरी इंसानियत के हमदर्द और खैर खा हैं ऐसे ही तुम भी पूरी इंसानियत के लिए हमदर्द और ख़ैर ख़ाह बन जाओ और पूरी इंसानियत की कामयाबी के लिए इस तरह से जुट जाओ जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मिशन बनाया हुआ था एक मकसूद हयात और मकसूद ज़िंदगी बनाया था कि ये लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह की तरफ़ से आने वाली हिदायत को कबूल कर लें लिहाजा ये बात याद रखना कि अल्लाह के, के नबी के साथ वाबस्तगी तुम्हें बड़ा मजबूत ईमान अता करेगी और फिर वही मजमून आया कि जो मजमून पहले भी इससे आया था कि वलताबीन क़ुतलूफ़ी सभी अमवाता जो अल्लाह की राह में मारे जाएँ उन्हें मुर्दा मत समझना मुर्दा गुमान भी ना करना ये ख्याल भी दिल में न लाना कि वो मुर्दा हो सकते हैं चुनाच हक है तला जल्सान हूँ अहले ईमान की ज़िहाद और अहले ईमान के जिहाद में साबित कदमी को बयान फ़रमा रहे हैं और साबित क़दमी को बयान करते हुए ये बात फ़रमा रहे हैं किद्लामिनबान कुल कज्जा कबली बिल्बय कुल तुम फ़ल तुमोमिनक तुम सदक़ी एक तबका वो है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाइशें करता है और फ़रमाइशें क्या करता है कि साहब जब तक इस तरह से नहीं होगा कि अंतिया ना बेबानता हन्नार किर्बानी आप करें और वो क़ुरबानी ऐसी हो कि अल्लाह की राह में कबूल हो जाए और उसके कबूल होने की अलामत यह है कि आग उसे खा जाए ये असल में सबक़ उम्मतों के अंदर ये तरीक़ा था कि सबक़ उम्मतों के अंदर ये बात थी कि जब वो क़ुरबानी करते थे तो उस कुर्बानी की कबूलीत का ये यानी उसकी ये निशानी और अलामत होती थी कि आग आकर उसको ख़त्म कर देती थी उस माल को उस चीज़ को उस जानवर को जो कुर्बानी के लिए पेश किया गया है जैसे आदम हज़रत आदम अम के दोनों बेटों की कुर्बानी का हम आगे पढ़ेंगे इन शाह मामला उसमें भी यही हुआ कि जिस बेटे की कुर्बानी कबूल हुई वो एक आग आई और उसने उसको जला दिया इस तरह की अगर आग आकर आपके कुर्बानी को भी जलाएगी तब तो हम आप पर ईमान लाएँगे वगरना हम आपके ऊपर ईमान लाने वाले नहीं हैं यानी एक तरफ वो लोग हैं जो अहले किताब हैं और आप पर ईमान लाने की शरात बयान कर रहे हैं एक तरफ वो अहले ईमान हैं कि जो आप पर बिल्कुल बग़ैर किसी शर्त के और गैर मशरू तौर पर ईमान लाएँ और आपकी हर तरह से इतात और फरमाबर्दारी के लिए तैयार हैं इसलिए हकता शाह शानहु ने उनकी खसूसियत को बयान किया और वो खसूसियत क्या बयान फरमाई फ़रमाएी खल़मा वातुल्द वखिलाफ़िलहार आयातलबाब अल करम वम अला जनूब वफ़ी खल़मा वात वल खल बाबह न फ़क़ना ये जो अहल ईमान हैं ये आप यूँ समझ लीजिए मोमिन साइंसदान कैसा होना चाहिए अल्लाह तहाँ ये बयान फ़रमा रहे हैं मोमिन साइंसदान ऐसा होना चाहिए कि वो जाहिर है कि अल्लाह की मखलूक़ उसके सामने है वो दिन और रात की तब्दीली को रोज़ाना देख रहा है और उसका मुशाह कर रहा है लेकिन जब वो अल्लाह की इन आयात और निशानियों को देखता है या तफक्कर वाल ज़मीन व आसमान की तख्लीक और ज़मीन व आसमान के निज़ाम के ऊपर गौर करता है तो गौर कर बाद नतीजा क्या निकालता है देखिए बात यह कि साइंस में इस बात की बड़ी अहमियत है कि इंसान एक मुशाह करता है तजर्बा करता है और उस मुशाहे और तजर्बे के बाद एक नज़रिया पेश करता है और उसका नतीजा निकालता है अगर नतीजा ठीक है तो वो नज़रिया साइंस ठीक शुमार होता है वह वो, वो नतीजा क्या निकलता है एक मुसलमान साइंसदान वो कहता है रब ना मा खल तबा तला ए परवर दिगारम तू इन चीज़ों को यूँ ही फ़ूल नहीं पैदा कर दिया सुबहाना का अजाब अज़ान्नार तेरी जात बहुत बुलंद और बहुत पाकिजा है हमें अजाब से बचा देना यानी क्या मतलब कि एक मोमिन और मुसलमान अल्लाह की इन मखलूक़ात में ग़ौर करने के बाद सिर्फ कुदरत तक महदूद नहीं रहता कादिर तक पहुँचता है एक गैर मुसलमान साइंसदान इन चीज़ों में गौर करता है तो वो क़ुदरत तक महदूद रहता है वो कुदरत की बात करता है वो नेचर की बात करता है नेचर में यूँ होता है क़ुदरत में यूँ होता है कुदरत में यूँ होता है कुदरत तो ताकत का नाम है कुदरत तो एक प्रोसेस का नाम है वो उस प्रोसेस के पीछे हाथ कौन सा है वो कुदरत किस क़िर की है उस क़िर तक पहुंचना असल में मुसलमान साइंसदान का काम होता है और मुसलमान साइंसदान उसदर तक पहुंचता है चुनाच अल्लाह की मखलूक़ में ग़ौर फिक्र की दावत दी गई और दावत देने के साथ साथ अल्लाह ताला ने ये बात भी इरशाद फरमाई कि अल्लाह की राह में अगर तुम्हें कोई मुश्किल पेश आ रही हैं तो उस पर सब्र करते रहना या युहदीन आमनिरु वसाबिरु खुद भी सब्र करना दूसरों को भी सब्र की तलकिन करना व राबतु और अल्लाह की राह में जिहाद के लिए और क़ुरबानी के लिए तैयार रहना लंतनब्राहफिक उस बाल की कुरबानी के लिए तैयार रहना जो तुम्हें बड़ा महबूब है जो तुम्हें बड़ा पसंद है व तकअआत तहुन और अल्लाह का तकवा अख्तियार करना इसी में फ़लाह और इसी में कामयाबी है सूर आल इमरान का आगाज़ भी इसी तरह से हुआ था और उसका अख्ताम और उसकी उसका अख्तितमाम भी इसी तरह से हो रहा है और इतफ़ाक़ की बात देखिए या यह रब की बात देखिए कि सूरतनसाह का आगाज़ भी इसी तरह से हो रहा है सूरतनसाह मदनी सूर मुबारक है एक सौ छिहत्तर आयात हैं और चौबीस रुकू हैं ये भी मदनी सूर मुबारक है गुज्त दो सूरतों की तरह और इसका आगाज हो रहा है इंसानी तख्लीक़ के बयान से और उस तखलीक को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने दो बातें कहीं। एक तो ये कहा कि या याब्बुम खल व खल अमिन हाँ जहाँ वन हमारे ए लोगो यहाँ ख़िताब या यह लजीना आ मनु का नहीं है या एह नास का है बिल्कुल उसी तरह जैसे पहला खिताब था सूरतुल्बरा के आगाज़ में हमने पढ़ा था कि वहाँ भी खिताब या नास का था या यूह नासोदू रबी खल और यहाँ भी अल्लाह का अल्लाह की तरफ़ से ख़िताब हो रहा है या यान्नास पूरी इंसानियत को यानी अल्लाह का इख्तियार करने की जो दावत दी जा रही है उसका जो हुक्म दिया जा रहा है वो सिर्फ़ अहले ईमान को नहीं दिया जा रहा वो पूरी इंसानियत को दिया जा रहा है पूरी बनी नौ इंसान को दिया जा रहा है और सिर्फ उस ज़माने के इंसानों को नहीं दिया जा रहा बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को दिया जा रहा है लिहाजा यहाँ या युन नासुक्कू रब्बकुम आज इस या युन नासुक्कू का खिताब रसूल वसल्लम से लेकर आज तक के सारे इंसान मुखातब हैं और आज से लेकर क़यामत तक, तक सारे इंसान मुखातब हैं सारे के सारे इंसान इस हकम के पाबंद हैं कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करो सारे इंसान क्यों पाबंद है सारे इंसान क्यों इसकुम के पाबंद हैं इसलिए के खलक़कुम मिन मुन्नसम वाहिदा तुम पूरे इंसानों को अल्लाह ताला ने एक जान से पैदा किया है तुम्हारा बाप हज़रत आदम एक है तुम्हारी माँ हज़रत एक हैं, तुम्हारी माँ भी एक है तुम्हारा बाप भी एक है तुम्हारा माँ तुम्हारी माँ और तुम्हारे माँ बाप जब एक हैं तो इसका मतलब है पूरी इंसानियत पूरी बनी नौ इंसान हर हर फर्द इंसानियत का वह औलाद है हजरत आदम के वह औलाद है हजरत सलाम की और इन सब को तख्ी किया है अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को भी अल्लाह ने तख्लीक़ किया हज़रत को भी अल्लाह ने ही पैदा किया और तखलीक किया और अब हज़रत आदम से लेकर और क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो उसे अल्लाह ही ने पैदा किया है अल्लाह ही ने उसकी ज़िंदगी का सामान भी पैदा किया है लिहाजा अल्लाह ही वो ज़ात और हस्ती है कि जिसका तकबा इख्तियार करना चाहिए पूरी बनी ना इंसान को लिहाजा एक नफ्स से पैदा किया व खलक व खल मिना जो जहाँ वब्समिनारी जालन कसर उ मर्द वत के अंदर तुम्हें तकसीम किया और एक ये बात याद रखना कि वत तसानबी वालहाम अल्लाह से जिस रिश्ते के हवाले से तुम सवाल करते हो अल्लाह से उस रिश्ते को सामने रख के डरते रहना असल में सूरत निसा के जो मजामीन हैं उन मजामीन के अंदर जो बात सबसे अहम है वो ये कि ख़वा के मसाइल ख़वातन के, के हकूक़ बयान किए गए हैं खातान का मकाम क्या है मर्दों का मर्तबा और रुतबा क्या है और ख़वान का मकाम क्या है यहाँ आगे बढ़ने से पहले और उन बातों को उन मसाइल को पढ़ने से पहले एक बुनियादी और उसूली बात समझ लीजिए ताकि हमें आगे के मसाइल समझने में आसानी और सहूलत रहे और वो बुनियादी उसूली बात जो है वो ये है कि आम तौर पर होता ये है कि हम जब यह आयत मुबारक पढ़ते हैं या यासूर मिन नफ्सिन वाहिदा एक जान से पैदा किया पूरी इंसानियत को फिर इसी तरह एक और आगे आयत आ रही है और उस आयत में हक तआला जिला शान फ़रमाते हैं सूरह निसा की आयत मुबारक नंबर सात है लजालिन नसीब उमा तरकल वालदान वरबून वलिनसा नसीब उम्मा तरकल वालदान वलरबून इन औरतों के लिए अपना हिस्सा है जो उनके वालिदैन छोड़े मर्दों के लिए उनका हिस्सा है इसी तरह अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि लजालिन नसीब उम्म तसबु वालसाई नसीब उम्म तस्बना कि औरतों के, के लिए वो है जो वो कमाएँ मर्दों के लिए वो है जो कमाएँ इन बातों को इन आयात को देख कर आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि दीन इस्लाम में मसावत मरदो जन है दीन इस्लाम मसावत मरद ज़न का कायल है हालाँकि हकीकत यह है कि दीन इस्लाम मसावत की बुनियाद पर कोई फ़ैसला नहीं करता दीन इस्लाम मुसावात की बुनियाद पर दीन इस्लाम का उसूल मुसावात नहीं है किसी भी शोब ज़िंदगी में किसी भी शोब हयात में दीन इस्लाम का उसूल अदल होता है मुसावात नहीं अदल का मतलब क्या होता है इमाम गज़ाली रहमत अदल की तारीफ़ करते हैं वजशी ही चीज़ को उसके मकाम पर रखना चीज़ को उसके मकाम ऊपर है तो चीज़ ऊपर रखी जाएगी मकाम नीचा है तो चीज़ नीचे रखी जाएगी मिसाल के तौर पर इसकी यूँ दी जा सकती है बहुत आसानी से समझ में आने वाली कि टोपी का मकाम सर है और जूते का मकाम पाँव है टोपी को सर पर रखना और जूते को पाँव में रखना यह अदल है और अगर आप इसे बदल देंगे टोपी को पाँव में रखेंगे तो जुल्म है किस पर जुल्म है टोपी पर जुल्म है और अगर आप जूते को सर पर रखेंगे तो ये भी जुल्म, है और ये जुल्म सर पर है लिहाजा मरद औरत के मामले में हकूक़ जोजैन या हूक़ नस्वंॉँ औरतों के ख़वातीन के हूक़ यतामा के हूक़ मसाकिन के मर्दों के हकूक़ हुकु, हकूक़ फ़रज़ का जो एक पूरा निज़ाम है इस्लाम के निज़ाम हयात में वो नज़ाम पूरा का पूरा अदल वानसाफ़ परदल के ऊपर मबनी है और उसकी सबसे बड़ी बुनियाद व असास् जो है वह अदल है लिहाज़ा ये बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए और इस बात को समझते हुए हम ये तमाम अहकाम और ये मसाइल पढ़ें चुनाच हकता आलाशान सूर निसा के अंदर औरतों के इन हुकूक के हवाले से बड़ी तफसीली बहस करता है और इन ये तफसीलात आपके सामने आएंगी इस पर बहस करने से पहले सूर नसा की आयत मुबारक नंबर ग्यारह में एक लम्बी आयत है और उस लम्बी आयत में विरासत के हिस्सों को बयान किया गया और बड़ी जजवी सूरतों को हालांकि कुरान हकीम का आम तौर पर उसलूब यह है कि वो जजवी मसाइल पर नहीं जाता उ और बुनियादी कुल्ली बात करता है यहाँ अल्लाह ताला ने जजवी मसाइल के बेटे हों तो यूँ हैं न हों तो यूँ हैं लड़कियाँ हों तो यूँ हैं लड़के ना हों तो यूँ हैं ये सारे मसाइल जो हैं बड़ी जज्वी अंदाज के अंदर इसको बयान किया यूसी फी उलादकूम और इन मसाइल को बयान करने के बाद अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है कि तिल का हदूदल्ला ومن ورسوله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها देखो ये बात याद रखना कि ही कोई बेहतरी के लिए नहीं बयान कर दिए कि यूँ कर लो तो अच्छा है नहीं ये जो विरासत में हमने हिस्से बयान किए हैं ये विरासत का ये बयान विरासत के ये तकसीम विरासत के ये तकसीमी हिस्से अल्लाह की हुदूद हैं व मैं युत व रसूलहू जिन जो इन हृदूद की पाबंदी करेगा युद्ध जन्नातिन तजरीबिन तहतार ख़ालिदीन अफ़िहाल्ला उसे जन्नत के बाग़ात में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी वमई यासिल्लह व रसूलू या तद हदूद युद्ल हु नारन ख़ालिदन फ़िया वल अलामीन और देखो याद रखना जो इन हदूद को पामाल करेगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा उसको एक ऐसे आग में डाला जाएगा कि जिसमें आग में वह हमेशा रहेगा निकलने की कोई शक्ल नहीं होगी वलहु अजाब मुहीन और एक बड़ा दर्दनाक मिटा देने वाला अज़ाब उसके लिए मुकद्दर हो जाएगा चुनाचहकता दसान हूँ अहल ई ईमान को अहले ईमान को अपने ख़वातीन के साथ अपने बच्चों के साथ रहमत और शफ़क़त के साथ पेश आने के तरीक़े और उसके मसाइल को बयान करता है और बतौर ख़ास जो एक बड़ी काबिल गौर आयत है वो आखिरी आयत है चौथे पारे की और वो आखिरी आयत है सुरः निसा की बाईसवीं सुरः निसा की तेईसवीं आयत है सरा निसा की इस तेईसवीं आयत में अल्लाह ताला ने तारह महरम रिश्ते बयान किए कि ये बारह रिश्ते ऐसे हैं कि जिनका किसी शख़्स से निकाह नहीं हो सकता और वह बारह रिश्ते कौन से हैं माएँ हर अलैकुम महातुकुम महात बेटियां माएँ बेटियाँ बहने भतीजे भतीजियाँ भांजियां रजाई माँ यानी दूध पिलाने वाली माँ रजाई बहन सास रबीबा यानी वो बेटी के जो दूसरे शोहर से है अपने बीवी बीवी आप एक मन से शादी करते हैं एक बेवा से या तो से शादी करते हैं उसके साथ एक बच्ची आती है वो बच्ची जो है वो रबीबा कहलाती है वो रबीबा और बहू ये सब महरम रिश्ते हैं कि किसी शख्स का अपनी माँ से निकाह करना बहन से निकाह करना फूफी खाला से निकाह करना रबीबा से निकाह करना बहू से निकाह करना ये सब बिल्कुल और कतई तौर पर हराम है ये इन रिश्तों का तकद्दस है ये इन रिश्तों का अदब और एहतराम है और यहाँ हमारे माशरे के लिए जो एक बड़ी काबिल गौर बात है मैं इस बात की तरफ मुतव करूँगा आज की इस गुफ्तु के हवाले से और वास्ते से और चौथे पारे की आखिरी आयत के वास्ते से और हवाले से कि ज़रा इस आयत को ग़ौर से पढ़िए एक ही आयत मुबारक में हक्ता शाह नहु ने बेटी को महरम करार दिया बेटी का तकद्दस और उसकी हरमत को बयान किया और उसी आयत मुबारक में अल्लाह ने बहू को भी महरम करार दिया और बहू की हरमत और उसके तकदस को बयान किया सवाल ये है कि क्या मैं और आप जो हुरमत जो तकदस जो महब्बत और जो शफकत बेटी को देते हैं क्या वो हुरमत वो तकदस वो महब्बत वो इखलास बहू को देते हैं अल्लाह ने तो यहां बेटी को और बहू को एक ही आयत में जमा किया है एक ही जैसा तकद्दस बयान किया है एक ही जैसी हुरमत बयान की है जैसे उसका निकाह उससे हराम है ऐसी बहू से भी हराम है इसलिए हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारा अमल क्या है हमारा तर्ज ज़िंदगी क्या है क्या हम बहू को भी वही रिश्ता और वही फौकियत वही बरतरी वही महबत इखलास देते हैं जो हम अपनी बेटियों को देते हैं हक ताला जल्ला शानु हमें इन तालिमात पर अमल पैरा रहने की और अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए आमीन व आखर दावाना अनिलहमद रबीन अल्ला